gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार। India is successfully operating the world's largest healthcare scheme, Ayushman Bharat. It is due to a big role of technology. डॉक्टर ने बोला कि पेसमेकर डलेगा, आपको स्टंट डालना पड़ेगा। फिर मैंने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं डाल सकती। पूरी फैसिलिटी मिली, 3-4 लाख का खर्चा आया उस पर। फिर वो हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। दिस स्कीम हैज स्पेशली हेल्प द पुअर ऑफ इंडिया। Now, they no longer have to worry about access to top quality and affordable healthcare in any part of India. जब से चालू हुआ है तब से हमारे बहुत फायदा हुआ है, बहुत बहुत खुश हूँ मैं बहुत ही दुआ करती हूँ मोदी साहब से। हालांकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि ऐसे में हफ्ते में 2 बार चलते हैं मेरी डायलिसिस। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। इस समय एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए बयान के बाद से ही नारायण राणे लगातार राज्य सरकार के निशाने पर थे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने हिरासत में लिया है और ये एक बयान से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर बयान दिया था। ये बताया जा रहा है कि नारायण राणे को चिपलून से हिरासत में लिया गया है और फिलहाल उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जारी है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें किसी स्थान पर ले जाएगी और जिस तरीके से स्थितियां हैं उस तरीके से ये नियम होता है आईपीसी सीआरपीसी के साथ, जिसमें कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद या फिर 24 घंटे के अंदर निश्चित एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंच पुलिस लेकर जाती है। अब देखना ये होगा कि पूरी स्थिति में राज्य सर की पुलिस का क्या रुख रहता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर शेलार जुड़े हुए हैं। शिशिर, कहाँ गिरफ्तारी हुई, कब गिरफ्तारी हुई और ये पूरा मामला क्या है और इस पर फिलहाल क्या रुख है राज्य सरकार का? बस कुछ ही मिनट पहले ऊपर में स्टेशन है इससे पहले नारायण राणे जो यात्रा में थे, इस यात्रा के तयशुदा नारायण राणे पहुंचे थे, उन्होंने भाषण किया था और भाषण के बाद वहां पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। ये जो मामला है ये महाराष्ट्र नासिक से मामला दर्ज किया गया था और महाराष्ट्र नासिक के पुलिस कमिश्नर ने हालांकि हम दोबारा जुड़ेंगे अपने संवाददाता शिशिर शेलार से जो कि इस बारे में हमें ताज़ा जानकारी देंगे। खबर ये आ रही कि नारायण राणे को, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें चिपलून से गिरफ्तार करके पुलिस किसी अन्य स्थान पर ले जा रही है।
चार मामले बताया जा रहा है अब तक जो जानकारी मिली है, चार FIR दर्ज की गई है। इससे पहले नारायण राणे ने अंतरिम जमानत लेने की कोशिश की थी, लेकिन रत्नागिरी कोर्ट द्वारा उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नारायण राणे की अपील को सुनने से इनकार कर दिया था, और इसके बाद ये स्थिति मानी जा रही थी कि पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, और महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को। रत्नागिरी में पुलिस ने नारायण राणे को हिरासत में लिया है, और ये पूरा का पूरा जो मामला है वो आपत्तिजनक बयान दिए जाने से संदर्भित है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संदर्भ में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दर्ज FIR के तहत अभी जो है नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया है। शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे कि रत्नागिरी से गिरफ्तारी हुई है, अभी क्या कुछ है और किन धाराओं के तहत FIR थी और क्या पूरा मामला था, इसको जरूर बताएं। बिल्कुल, इस वक्त हम रत्नागिरी में ही है। जब ये हादसा हुआ था, जब ये जब दुर्घटना घटी थी, हम वहीं पर थे। दरअसल पिछले दो दिनों से नारायण राणे जो है कोंकण में जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। हालांकि आज का उनका दूसरा दिन का कल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा थी वो निकाली थी। उसके बाद जो है आज उनका दूसरा पड़ाव था रत्नागिरी, जो कि सटा हुआ जिला है रायगढ़ से। लेकिन कल एक पत्रकार परिषद के दौरान एक टिप्पणी उन्होंने की थी, उस टिप्पणी को लेकर शिवसेना जो है काफी नाराज हुई, और शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसके बारे में जो है पुलिस कंप्लेंट भी की थी। ये मामला दर्ज हुआ था नासिक पुलिस स्टेशन में, और नासिक पुलिस स्टेशन जो पुलिस कमिश्नर है उनके द्वारा हालांकि बयान भी दिया गया है कि जो धारा उनके ऊपर लगाई गई है उसके तहत नासिक पुलिस ने एक टीम भेजी है कोंकण में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अरेस्ट करने के लिए। चूंकि जब बात पता चली तब नारायण राणे कोंकण में थे, नारायण राणे अपना जो पूरा शेड्यूल प्रोग्राम था उनका जन आशीर्वाद यात्रा का उसमें वो थे, और एक ऐसे ही घटनास्थल पर पहुंचे थे जहां पर जो शेड्यूल में उनका कार्यक्रम था वहां पर उन्होंने भाषण भी किया। भाषण करने के बाद जो स्थानीय पुलिस थी रत्नागिरी की वो वहां पर आई, और उन्होंने जो है नारायण राणे को इस वक्त हिरासत में लिया है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक जो है लोकल पुलिस वहां पर थी, जबकि नारायण राणे द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा ये कहा गया है कि अगर पुलिस उनको अरेस्ट करना चाहती है तो उसके लिए जो प्रॉपर प्रोसीजर होती है, अरेस्ट वारंट होता है, वो सामने लाया जाए, वो दिखाया जाए। लेकिन हालांकि अब इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया पुलिस ने नहीं दी, लेकिन पुलिस ने ये कहा कि उनको हिरासत में जो है लेने का उनको ऑर्डर मिला है, उसके तहत उन्होंने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अभी हिरासत में लिया। इस वक्त केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जो है संगमेश्वर जो पुलिस स्टेशन है वहां पर उनको जो है लेके जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो भाषण उन्होंने दिया था उस भाषण के अंतर्गत जो है धारा लगाई गई है और ये एक्शन लिया गया है स्थानिक जो नासिक पुलिस द्वारा। और अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो जो कोंकण की स्थानीय पुलिस है, रत्नागिरी की जो स्थानीय पुलिस है, वो उन्होंने है जो है नारायण राणे को हिरासत में लिया है, और आगे की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। बीजेपी द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि कई समर्थक नारायण राणे के उस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद थे, उनने ये स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने पुलिस से कहा था कि अगर हो सके तो वो अरेस्ट वारंट दिखाए, लेकिन उनको अरेस्ट वारंट नहीं दिखाया गया। ये बीजेपी के जो समर्थक थे वहां पे नारायण राणे समर्थक थे, उन्होंने कहा है, और सीधा जो है पुलिस ने इस वक्त देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हिरासत में लेके इस वक्त पुलिस स्टेशन की ओर जो है पूरा जो गाड़ियों का ताफा है वो जा रहा है। इस दौरान ये भी खबर आई थी कि नारायण राणे की तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी यहाँ पे, तो ऐसे में जो डॉक्टर की जी शिशिर, हमारे संवाददाता शिशिर शेलार जुड़े हुए हैं, हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे, हमारा संपर्क टूट गया है। रत्नागिरी में पुलिस ने नारायण राणे को गिरफ्तार किया है, आज रत्नागिरी में नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा थी। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ही उनके द्वारा पूर्व में दिए गए बयान के आधार पर राज्य की पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर दिए गए कथित बयान, आपत्तिजनक बयान के संदर्भ में ये पुलिस की कार्रवाई